गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। वैसे आज है सुबह षष्ठी, दुर्गा पूजा का पहला दिन मतलब षष्ठी। तो सुबह षष्ठी सवाई के शारदीय शुभेच्छा एंड दुर्गा पूजा सवार भालो काटोक, मतलब सबका पूजा दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से जाए। शुभ षष्ठी सबको। मतलब मुझे दो दो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है क्योंकि हाफ बंगाली है और हाफ इंग्लिश समझते हिंदी, सॉरी हाफ हिंदी समझते इंग्लिश भी समझते हो। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। बाकी आज मेरा प्लान था बुर्ज खलीफा जाने का। मेरे यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा बना हुआ, लास्ट ईयर कोलकाता में बना हुआ था लेकिन वो वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। मेरा पूरा प्लान था, मैं और सिस्टर को लेके जाता, मैंने उसको प्रॉमिस भी किया था कि आज लेके जाऊँगा, लेकिन बारिश ने ना पूरा गुड़ गोबर कर दिया। इसलिए देखो 7 बज रहे, हम लोग निकल रहे हैं 7 बजे। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल कुर्ता वगैरह पहन के रेडी हो गया हूँ और हम आसपास यहीं पे पंडाल हॉपिंग वगैरह करेंगे। देखो हमारे एरिया में कैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, पंडाल वगैरह क्या हुआ क्या नहीं, और क्या खाना पीना तो हो गया। दास बहू जा रहे तो खाना पीना बिना खा के आएगा नहीं। अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करके इस फैमिली से जुड़ जाओ। बाकी घर से निकलते हैं और काफ़ी रात हो रही है, वैसे 7 बज रहे। चलो बाकी पंडाल वगैरह दिखाता हूँ। तो गाइस ये पहला पंडाल है हमारे यहीं का बना हुआ है और ये बंगाली में लिखा हुआ है 28 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं। आज वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि आज षष्ठी है ना, वैसे षष्ठी में भीड़ बहुत ज़्यादा ही कम है और ऐसे खाली खाली मूर्ति दर्शन हो जाए तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो पंडाल है अपने गाँव साइड में ही है, मतलब मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी में। बारिश में सब पानी पानी है, देखो रोड साइड देख रहे हो पूरा पानी पानी भर रखा है। इसलिए मैंने सोचा पास में आ जाऊंगा, सिस्टर को लेके आ जाए। यहाँ पे 3-4 जगह अच्छे अच्छे जगह हुआ है और यहाँ पे झूमर वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब 3-4 दिन बाद मैं रात में पूजा देखने आया, नहीं तो सिर्फ दिन में आता था। और आज वैसे षष्ठी की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। बाकी माता रानी तो इतनी खूबसूरत लग रही है। जय माँ दुर्गा, सबके मनोकामना पूरा करना मेरे सब्सक्राइबर मेरे। लगभग अभी 1:30 बज रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसका साउंड ना बहुत प्यारा है। लगभग यहाँ ख़त्म, मतलब पंडाल घूम लिया और एक जगह जा रहे हैं यहीं पे, ये पास में। तो पैदल चलते हैं, बाकी वो वाले पंडाल जाके दिखाता हूँ मैं। गाइस वो वाले पंडाल से तो निकल गए और एक पंडाल में जा रहे हैं और राधा भी आई हुई है। राधा बुर्ज खलीफा वाला प्लान आज बारिश में पूरा बेकार कर दिया यार, सीरियसली। जो कोलकाता में लास्ट ईयर बुर्ज खलीफा बना था ना, वो यहाँ पर बना हुआ एक मस्त जगह पर। अगर कल बारिश नहीं होती तो प्लीज़ बारिश ना हो कल मैं लेके चलूँगा आप लोगों को। बहुत मस्त बना हुआ है, मैं उस दिन गया था, ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट फोटो वगैरह क्लिक करके आ गया। बाकी चलो और एक पंडाल में पहुँच चुके हैं, ये रहे पीछे, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद कुछ खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी है। उसके बाद और एक दो जगह जाएंगे फिर घर चले जाएंगे। आज ज़्यादा घूमने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लेट आए ना हम लोग। चलो बाकी ये वाले पंडाल में देखते हैं मूर्ति कैसा कैसे नहीं, मूर्ति क्या मूर्ति तो हर जगह अच्छी होती है। गाइस यहाँ पे षष्ठी की वजह से अब आज एंट्री नहीं है, मतलब ये रिबन वगैरह लगा के रखे, कल होगा मुझे जितना पता है, कल सप्तमी है ना। वैसे गांव साइड में ना षष्ठी पंचमी षष्ठी से कोई भी नहीं होता, सप्तमी अष्टमी नवमी में भीड़ होती है, लेकिन कोलकाता वगैरह में ऐसा नहीं है, उधर उल्टा है। मतलब बहुत पूजा से 10 दिन पहले ही चालू हो जाता है भीड़। और यहाँ पर भी मूर्ति बहुत अच्छा है और पंडाल भी बहुत बढ़िया बना है वैसे। सो गाइस दोनों जगह पंडाल हम लोगों ने देख लिया, अभी जा रहे कुछ खाना खाने क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। देखते हैं खाने में क्या होता है। वैसे घर में तो आज नॉन वेज अलाउ नहीं है क्योंकि सैटरडे, लेकिन यार पूजा में कुछ मिलेगा नहीं, नॉन वेज ही खाना पड़ेगा। चलो देखते हैं खाने में क्या होता है, उसके बाद और 2-3 जगह घूम के घर चले जाएंगे। बाकी चलो। सो गाइस हम लोग अभी चाउमीन खा रहे, चिकन चाउमीन खा रहे, और ये देखो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट। अरे रुक जा, तेरे को प्रमोट कर रहा हूँ।
दोस्त के रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो हमारे इस साइड से जो भी ब्लॉग देखते हो भाई के रेस्टोरेंट में आना और भाई डिस्काउंट देगा। भाई मेरे नाम को ही लेना तो डिस्काउंट दे देना उसको, और सब्सक्राइब जरूर करवाना। ये जो पानी बादल का मेन रोड है ना, राइट साइड ही भाई का दुकान है। वैसे भाई खड़ा रहता है हमेशा, लंबा सा दिख जाएगा। और अभी चिकन चाउमीन ऑर्डर दिया, चिकन चाउमीन बन के आता तो उन्होंने बोला भाई ब्लॉग बना दो, प्रमोट कर दो, मैं पैसे नहीं लूँगा, ऐसे बोला इसने। बाकी चलो चाउमीन आते तो दिखाता हूँ। तो भाई ये आ गया हमारा चिकन चाउमीन, इसने तो ख़त्म भी कर दिया। कैसा है टेस्ट? मस्त है। चलो भाई पास हो गया, भाई के पास आना फिर, है ना, भाई का शक्ल देख लो। बाकी मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ, उसके बाद और दो तीन पंडाल जाते हैं। वैसे 8:15 के करीब हो रहे हैं, ये बारिश की वजह से हो गया घड़ी का हाल। और दो तीन पंडाल जाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। तो फटाफट एक भाई खाना वगैरह खा के आ गया, और ये थर्ड पंडाल है। यहाँ पे पूजा वगैरह शुरू हो रहा है, क्योंकि आज षष्ठी है तो कहीं पूजा वगैरह शुरू नहीं होता है, षष्ठी में पूजा स्टार्ट हो रहा है। पूजा जो मस्त पूजा होता है ना, जो मेन पूजा है, वो अष्टमी के दिन होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वो रिबन वगैरह लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर का ऐसा वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख के और एक दो जगह दिखा लेता हूँ आपको, फिर घर जाएंगे, क्योंकि 8:30 भी हो रहा है। सो लेट्स गाइस, हम लोग अभी आए हुए हैं फोर्थ पंडाल में। ये जो पंडाल देख रहे हो ना, ये चटाई में बना हुआ है, जो मेट होता है, मेट मतलब चटाई होती है, उसमें बनी हुई है। तो हम पास आके देख रहे हैं, पूरा जो चटाई बिछा के हम लोग सोते वगैरह है उसमें बना हुआ है, और इतना मस्त मतलब काम किया हुआ है ना, बहुत मस्त। अगर कंपटीशन वगैरह कहीं होता तो ये वाला पंडाल तो नंबर वन आता, मुझे इतना पता है। और अंदर चलते, अंदर मूर्ति भी औसम बना हुआ है, यहाँ का मूर्ति तो एक नंबर लगा हमारे इस साइड के सारे। और लाइटिंग वगैरह देख के, मूर्ति का जो कलर देख रहे हो ना, वो अलग सा बिल्कुल लग रहा है। वाव, जस्ट फैंटास्टिक, मतलब मैं जितना ही तारीफ करूँ उतना ही कम है गाइस। सो गाइस, ये है आज का हमारा फिफ्थ पंडाल, और ये मेरा स्कूल देख रहे हो, मतलब जस्ट मेरे गांव से 1 किलोमीटर, मतलब दूसरे गांव होके जाना पड़ता है ना, वही वाला गांव है। मेरे गांव से कितना, 1 किलोमीटर भी नहीं, 500-600 मीटर के अंदर है ये वाला दुर्गा पूजा। छोटा सा होता है, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया होता है। और माता रानी का मूर्ति देखो, इतनी प्यारी लग रही है माता रानी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैंने एक दो तो सिनेमेटिक शॉट तो मेरा रहता ही रहता है गाइस। सनलाइट गाइस, जस्ट अभी घर आया, और आज षष्ठी में 5 पंडाल हम लोगों ने देख लिया राधा और मैंने मिलके। एक्चुअली षष्ठी मतलब जस्ट शुरुआत होती है, और इसी चक्कर में बहुत जगह पे पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब पूजा वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, और मंडप में भीड़ वगैरह नहीं है पंडाल में। वैसे कल सप्तमी से भीड़ होगा, और उम्मीद करता हूँ कल प्लीज़ बारिश ना हो। एक तो साल में एक ही बार होता है पूजा, मतलब बंगालियों का फेवरेट जो फेस्टिवल है, उसके लिए हम इतना वेट करते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, दुर्गा माँ को देखने के लिए। उसके बाद बारिश यार, प्लीज़ बारिश, प्लीज़। कल अगर बारिश ना हो तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बुर्ज खलीफा। वैसे दुबई वाला तो रियल है ही, लेकिन नकली वाला बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा कैसे बांस में बने हुए हैं। वैसे बांस तो सब खाते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहरहाल गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये पंडाल वाला टूर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके ब्लॉग शेयर करना, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन तोड़ दो बिल्कुल। बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में बुर्ज खलीफा में, तब तक के लिए बाय बाय।